हेलो। यस गाइस, कैन यू हियर माय वॉइस? यस यस ओके। आई होप सब लोगों ने चैप्टर पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लिया होगा और सब रेडी हैं टेस्ट के लिए। आई होप। हेलो। ओके ओके। तो भाई ठीक है, तो देखो ओके भाई, तो सबसे पहले देखो अब इस तरीके से सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जैसे जैसे सबका होता जाएगा वो क्लास से लीव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो डिपेंड करता है, हर किसी का ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है हर पर्सन टू पर्सन। ठीक है, अब मान लो किसी को कुछ नहीं आता तो वो दो क्वेश्चन के बाद ही खत्म हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो भाई सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी ठीक है, तो सबसे पहले वेट अ सेकंड, एक सेकंड एक यस yes. तो सबसे पहले हम लेते हैं यस yes. ये कौन है गैलेक्सी जे सिक्स? ये कौन है गैलेक्सी जे सिक्स? सर मैं प्राची। ओके प्राची, प्राची यू आर न्यू स्टूडेंट राइट? यस सर। ओके तो तैयारी करिए। यस सर करिए। ठीक है, तो प्राची है तुम्हारा नाम राइट? यस सर। अच्छा, लाइव प्रोसेस की सारी क्लास अटेंड करी है तुमने? यस सर करी है सर, रेस्पिरेशन में थोड़ा नहीं हो पाया था, बाकी हो गई। अच्छा ठीक है, तो अपने जरा वीडियो ऑन करो प्राची, अपनी वीडियो ऑन। यस सर। ओके प्राची ठीक है, तो देखो जब तक दूसरों वाले का नंबर नहीं है वो रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, जब तक दूसरों वालों का नंबर नहीं आ रहा है तब तक वो लोग रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन जब मैं वीडियो ऑन करवाऊंगा तब कोई चीज नहीं, चीटिंग का कोई भी मेन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सब बच्चे ध्यान रखें, अपने लिए चीटिंग करके क्या कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए सामने कोई कॉपी किताब ना खोले। यस प्राची, तो प्राची फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज कॉमन फॉर कसकट्टा टिक्स एंड लीचेस? कसकट्टा टिक्स और लीचेस में क्या चीज कॉमन है? टेक योर टाइम, यू कैन थिंक। सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? टिक्स और लीचेस में क्या चीज कॉमन होती है? किसमें सर? कसकट्टा, लीच और टिक्स, क्या करते हैं ये लोग? सब पैरासिटिक होते हैं। नहीं नहीं, तुम नहीं बोल सकते ना, अभी अभी प्राची से पूछ रहा हूं मैं। ओके सर, है ना? ठीक है, तुम्हारा भी नंबर आएगा। हाँ सर, लीच पैरासिटिक होते हैं। पैरासाइट क्या होता है सर? पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी और से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। अच्छा, इतना धीरे धीरे करके कैसे बोल रही हो, सामने कोई है क्या? ना सर, कोई नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा प्राची, डबल सर्कुलेशन में कौन से दो मेन सर्कुलेशन आते हैं? यस सर, डबल सर्कुलेशन। अगर नहीं पता तो स्किप कर सकते हो, थोड़ा जल्दी करना है। सर डबल सर्कुलेशन होता है और ओके ठीक है। ट्रिप्सिन किसकी डाइजेशन में हेल्प करता है? ट्रिप्सिन सर पैस्ट्रिक जूस में होता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन, क्या ये सही? मैंने ठीक है प्राची, सब लोग ध्यान रखें, जो आंसर पूछा जा रहा है अगर आप उसके अकॉर्डिंग आंसर बताएंगे तभी वो ठीक माना जाएगा। अगर आपने एक सही बात बताई है लेकिन वो उसका आंसर नहीं है तो वो आंसर नहीं होता है। ठीक है okay. तुम बिल्कुल, अगर तुम एक राइट स्टेटमेंट बोले हो लेकिन वो उसका आंसर नहीं है तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है सर, आंसर प्रोटीन होगा ना? ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, प्रोटीन होगा।
यस लाइपेज का फंक्शन क्या होगा प्राची? यस सर लाइपेज का फंक्शन. और डोंट वरी घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम कूल होके पेपर दो, कूल होके एकदम बिंदास. ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइपेज? स्टार्च. बस आवाज मत करो, तुम्हारी आवाज आ रही है किसी की. The function of lipase is to store the starch, digestion of starch. ठीक है प्राची, प्राची अभी भी जाना नहीं है. ठीक है ठीक है. सन्नी अपनी वीडियो ऑन करो. प्राची अभी तू स्विच ऑफ कर सकते हो अपनी वीडियो. यस सन्नी थोड़ा प्रॉपरली फेस दिखाओ, सेंटर पे रखो अपने आप को. तैयारी हो गई सन्नी? अच्छा थोड़ा नीचे करो कैमरा, थोड़ा सा नीचे. सर वो है नीचे किताबें रखी हुई है क्या? हाँ मतलब कुछ नहीं रखा नीचे. बंद करो बंद करो. ठीक क्या सर? हाँ ठीक है ठीक है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमाइलेज सन्नी? एमाइलेज क्या क्या सर? एमाइलेज का फंक्शन क्या होता है? अच्छा एमाइलेज सर वो स्टार्च, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च. स्टार्च को किसमें तोड़ देता है? माल्टोज. ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज. माल्टोज के अंदर कितने ग्लूकोज होते हैं? सर इतना डीप भी होता है माल्टोस तो होता है. अच्छा ठीक है गुड. अच्छा आर्टरीज और वेन में एक डिफरेंस बताओ. सर आर्टरीज सर रेड कलर में होती है, वेन ब्लू कलर में होती है. ठीक है और? और सर सर पल्मोनरी आर्टरी के पल्मोनरी आर्टरी और वेन के अलावा सारे आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं पल्मरी आर्टरी के अलावा. और वेन? सर वेन में पल्मरी वेन के अलावा पल्मरी वेन के अलावा सारे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं. वेरी गुड क्या बात है. और व्हाट आर वेलाय? वेलाय क्या होते हैं? सर वेलाय आर ज़िगज़ैग स्ट्रक्चर्स. ज़िगज़ैग मतलब फिंगर शेप. फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. प्रोजेक्शंस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वेलाय? Sir, it helps in absorption of food. Okay. अच्छा, nutrition के कितने steps होते हैं total सन्नी? Sir, ingestion, digestion, absorption, assimilation, ingestion. ठीक है. ये galaxy जेस. अच्छा galaxy हो गया. अर्नव एस वीडियो उनको अभी जाना नहीं है सन्नी. अभी जाना नहीं है. अर्नव एस. ठीक है. अर्नव अब ओके. हाउ इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा रेगुलेटेड? व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स मूव इनसाइड द स्टोमेटा द स्टोमेटा स्वेल्स अप एंड द पोर्स आर क्लोज्ड एंड व्हेन वाटर मूव्स आउट द स्टोमेटा पोर्स आर ओपन सो दैट एयर कैन कम इनसाइड. ओके एक सेकेंड तुमने कहाँ से पढ़ा? ये बुक से पढ़ा है या नोट से पढ़ा है? सर मेरे पास सर खुद के नोट से. खुद के नोट से. अच्छा देखो एक सेकेंड, जहां तक मुझे याद आ रहा है ना, जैसे अभी अभी जब मैं क्लास ली थी ऑफलाइन वाली, जिसमें स्टोमेटा जब पानी एब्जॉर्ब करता है ना, स्वेलिंग हो जाता है, तो स्वेलिंग से ये स्ट्रक्चर ओपन हो जाता है. गलती से वो मैंने वहां पे उस टाइम बोर्ड पे क्लोज लिख दिया था. जब स्टोमेटा पानी को एब्जॉर्ब करता है तो वो मोटे हो जाते हैं, मोटे होने से ये स्ट्रक्चर खुल जाता है, और जब वो पानी को लूज करते हैं तो लूज करने से वो बंद हो जाता है. ठीक है ना? उस टाइम मैंने वहां पे ओपनिंग और क्लोजिंग उल्टा लिखवा दिया था. ठीक है बाकी सब सेम है. ओके सर नंबर कटेंगे? नहीं 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 कटेंगे. यस ये बताओ अर्नव, जाइलम और फ्लोएम का मेन फंक्शन क्या है? सर जाइलम वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फूड पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट करता है. अच्छा दोनों में से एक्टिव कौन है पैसिव कौन है? क्या सर? एक्टिव कौन है और पैसिव कौन है? सर एक्टिव फ्लोएम. एक्टिव का मतलब क्या होता है? सर ये सर आपने पढ़ाया नहीं था, मैं क्लास में नहीं था आई थिंक. पढ़ाया था वैसे मैंने, ये तो मैंने कॉमन क्लास ली थी ना. एक्टिव का मतलब होता है एनर्जी यूटिलाइजेशन. फ्लोएम को फूड को ट्रांसपोर्ट करने में एनर्जी लगती है और वाटर के लिए कोई एनर्जी नहीं लगती, तो उसे पैसे बोलते हैं. ठीक है चलो कोई बात नहीं. अच्छा ये बताओ व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेप्टम? सर
अर्णव वीडियो ऑफ नहीं कर सकते सर, वो सर गलती से हो गई सेप्टम सर, सेप्टम सर हार्ट के दोनों चैंबर्स को डिवाइड करता है, तो उससे क्या फायदा होता है सर? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता। अच्छा, तो अगर वो मिक्स नहीं हो रहे तो उससे कुछ हमें पर्टिकुलर फायदा होता है क्या सर? अगर सर मिक्स नहीं होते तो सर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स पे जाता है और फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिंपल याद रखना है, अगर ये मिक्स नहीं होगा तो हमारी इफिशियंसी मेंटेन रहेगी, हमारे अंदर ज्यादा एनर्जी है कि अगर ब्लड मिक्स हो गया तो हमारी इफिशियंसी कम हो जाएगी। अब हमारी बॉडी में एकदम पूरा डिवाइडेड है ना, हर चीज का डिवाइड है कि इस साइड ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है? ओके, तो डबल सर्कुलेशन में कौन सी दो मेन टाइप की सर्कुलेशन होती है? सर एक होता है लंग्स से हार्ट तक और एक होता है हार्ट से बॉडी तक। नाम क्या होता है उनका? नाम नाम होता है ना पर्टिकुलर, ठीक है सन्नी? ये जो डबल सर्कुलेशन है इनमें क्या नाम होता है? ये जो डबल सर्कुलेशन है क्या नाम होता है इसका सर? सर पल्मरी और सिस्टमैटिक। पल्मोनरी और सिस्टमैटिक, ठीक है। पल्मोनरी वाली किससे अटैच रहती है सर? लंग्स। और अर्णव जो बॉडी वाली होती है वो ऑब्वियसली सिस्टमैटिक होगी अब तो, ठीक है। अच्छा वो बताओ वो कौन सा स्ट्रक्चर है जहाँ पे यूरिन स्टोर रहता है? क्लास अटेंड नहीं करी थी। अर्णव वो कौन सा स्ट्रक्चर जहाँ पे यूरिन स्टोर रहता है टेम्पररी? टेम्पररी यूरेटर नहीं 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 यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से तो डिस्चार्ज करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर। हाँ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। थोड़े से कंफ्यूज्ड हो वैसे पर ठीक है चलो। अच्छा गैलेक्सी J6 प्राची? यस सर। हाँ विनीत अभी एक सेकंड के लिए ऑफ कर लो वीडियो। विनीत विनीत हाँ प्राची, जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैंने बताया था, वो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में कितने टाइप के स्ट्रक्चर थे मेनली? नेफ्रॉन में मैंने बताया था ना ये मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं नेफ्रॉन में। यस सर। क्या नाम क्या है उनके बताओ सर? बोमेंस कैप्सूल, ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज, आर यू श्योर सर? देयर आर ब्लड कैपिलरीज। यस देयर आर ब्लड कैपिलरीज, बट डू यू रियली थिंक इट्स नेम इज कंप्लीटली असाइंड एज अ मेन फंक्शन मेन स्ट्रक्चर? ठीक है ठीक है, आगे कंटिन्यू। Yes sir, fluorescence. क्या सर? एक सेल होता है जिसका नाम है। अच्छा ठीक है, उसके आगे कंटिन्यू करो, कोई बात नहीं सर। कनेक्टिंग टिश्यू, कनेक्टिंग डक्ट, सॉरी कनेक्टिंग डक्ट, इट इज द लास्ट पार्ट राइट? यस सर। एंड व्हाट आर द मिडिल पार्ट्स? You remember? Okay. Okay. Fine. Yes, Sunny. Yes, sir. There is a YouTube-like structure in nephron. What it is called? In the nephron, there is a YouTube structure. Geo members. हैं? Geo members? सर मैं बताऊँ? ये कौन सा geo members आ गया भाई? सर पता नहीं सर, गलत होगा सर। ठीक है। अर्णव? सर बताओ। हाँ बताओ। सर हैलीज लूप। हाँ, पहले वीडियो ऑन करो तब बताओगे, ऐसे नहीं विदाउट वीडियो ऑन में कैसे यकीन करूंगा। हैलीज लूप, ये काउंट नहीं होगा क्योंकि तुमने वीडियो ऑन नहीं कर रखी थी सर। सनी ने भी नहीं कर रखी। हाँ तो अब उसने नहीं कर रखी है, ठीक है। चलो भाई प्राची सनी और अर्णव जा सकते हैं क्लास से, ठीक है। नेक्स्ट है प्राची सनी और अर्णव जा सकते हैं क्लास से। सर रिमार्क्स कैसे दोगे? अरे वो पता लग जाएगा तुम्हें सर, अच्छे देना सर। ठीक है सर। कितने मार्क्स के होंगे? बस एक क्वेश्चन। ये 30 मार्क्स के हैं टोटल। 30 मार्क्स? हाँ। विनीत, आपने तो सर लॉन्ग आंसर पूछा ही नहीं कोई। नहीं नहीं लॉन्ग नहीं, इससे सब पता चल जाएगा कितनी तैयारी हुई है। विनीत विनीत टेल मी, बस बच्चों को जाओ 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 यहाँ से, जिसको हो गया। यस विनीत टेल मी, आज भेज देना, हाउ आज भेज देना, ठीक है। विनीत हाउ इज सेलुलोज डाइजेस्टेड? सेलुलोज को कैसे डाइजेस्ट किया जाता है? So cellulose is digested in the small intestine. Arnav, you are raising it. हाँ बोलो बोलो विनीत।
Sir, cellulose is digested in the small intestine through an organ called appendix. Achha. Are you sure? Appendix is functional or non-functional? Sir, sorry. This is cellulose digested through the process of respiration. थोड़े कंफ्यूज लग रहे हो. ठीक है, अपेंडिक्स इज फंक्शनल और नॉन फंक्शनल राइट नाउ? नॉन फंक्शनल. ओके, तो क्या हम इसका ऑपरेशन से कट कर सकते हैं? अगर किसी के पेट में तो ओके. यस सर. ठीक है. स्टमक जो होता है जो उसके अंदर एससीएल निकलता है, तो एससीएल स्टमक को क्यों नुकसान पहुंचा पाता? एससीएल कैन हार्म अवर स्टमक ना. Because sir, mucus is released along with HCl, which provides a protective covering around the stomach to prevent it from burning from HCl. Okay. Gastric juice contain one enzyme. What is the name of that enzyme? Pepsin. Okay, pepsin or pepsinogen? Sir, dono hote hain. ठीक है. Sir, पहले पेप्सिनोजेन होता है ना, फिर पेप्सिनोजेन एसिड के कांटेक्ट में पेप्सिन बनता है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेप्सिन? सर पेप्सिन इज रिलीज्ड टू ब्रेक द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. ओके, ठीक है. एक बात बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज रेस्पिरेशन में? एज अ डिसॉल्व्ड कंपोनेंट इन द ब्लड. As what? ठीक है, dissolved component of blood, but what? As a waste product. नहीं, as a bicarbonate. Bicarbonate बताया था ना, HCl3. अच्छा, bicarbonate. हाँ, bicarbonate. ठीक है. अच्छा, what is the function of vena cava? Sir, the vena cava is attached to the lung, which carries the deoxygenated blood. From the organs to the heart. अच्छा, अभी तुमने क्या बोला था? Vena cava is attached to the lungs. सर वो गलती से बोल दिया, heart होगा. ठीक है, कोई बात नहीं. अच्छा, what are the two main system involved in the double circulation system? Like two system होते हैं double circulation में? अभी बताया था ये किसी ने? Sir, the two system of the double. अभी बताया किसी ने? Sir, atrium and ventricle. Okay, Vineet, very good. क्या हो गया तुम्हें? ठीक है, अवनी अपनी वीडियो ऑन करो, अभी जाना नहीं है. ठीक है, अवनी अपनी वीडियो ऑन करो. अवनी, हाँ, तैयारी हो गई? बोलो, say something, yes or no? Yes, sir. Okay, अवनी. So, Avani, मुझे एक बात बताओ, होलोजोइक क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन? सर, those organisms which have well-defined digestive system. And क्या इनके पास माउथ होता है? Yes, sir. क्या ये कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, पिज्जा, बर्गर, रोटी, चपाती, ये सब चीजें? Yes, sir. Those organisms ना, कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, माउथ होता है और well developed digestive system होता है. ठीक है, example कौन होते हैं इनके? Sir, human beings and other animals. ठीक है, okay. Tell me what, how many ATPs are formed in the aerobic respiration and anaerobic respiration? Aerobic respiration have 38 ATPs and anaerobic respiration have 2 ATPs. Okay. अवनी, किडनी के अलावा कोई स्ट्रक्चर बता सकती हो जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, छोटे छोटे एनिमल्स में या छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों में? किडनी के अलावा? One second, please. Sure. Sir, repeat कर दो question, please. हाँ, किडनी के अलावा कोई ऐसा स्ट्रक्चर बता सकती हो जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है? हमारे अंदर नहीं, दूसरे एनिमल्स के अंदर, जैसे कॉकरोच हुआ, अर्थवर्म हुआ? नहीं. अच्छा, ठीक है. साइंटिस्ट, तुम बता सकते हो किडनी के अलावा कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है छोटे ऑर्गेनिज्म के अंदर?
नहीं सर याद नहीं ठीक है देवांशी प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो देवांशी भाई फिश के अंदर गिल्स होते हैं तुम कैसे भूल सकते हो कोई गिल्स को भूल सकता है क्या अच्छा हाँ नहीं नहीं ठीक है चलो कोई नहीं वैसे वो भी बोल सकते हो नेफ्रीडिया प्रोटो नेफ्रीडिया ठीक है ना गिल्स को चलो एक्सप्रेशन में हेल्प करते हैं मेनली ठीक है यस देवांशी कहाँ पर हो तुम तो बाहर आ रखे हो क्या उत्तराखंड में हो क्या देवांशी तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास तुमने अपनी आवाज बंद कर रखी है यस सॉरी सर ओके ओके देवांशी लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है सर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ठीक है और क्या बनता है इसके अंदर सर इसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन में हमारे पास लैक्टिक एसिड और एनर्जी एनर्जी फॉर्म होते हैं ठीक है लैक्टिक एनर्जी लैक्टिक एसिड से क्या हो जाता है हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड से हमारी जो मसल्स होते हैं उसमें पेन पेन वो होता है पेन क्रैम्प्स यस सर क्रैम्प्स भी बोल सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है देवांशी सर ग्लाइकोलाइसिस सर एक प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म होता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस सॉरी ओके विनीत ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है ग्लूकोज से 2-pyruvate बनने को ही क्या बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं ठीक है ग्लूकोज से 2-pyruvate जब बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस अच्छा अब बताओ ये कौन सा लॉ लगता है देवांशी यू रिमेम्बर जैसे मैंने बताया था ना सांस लेना अपने आप ही होता है तो वो एक मैंने लॉ बताया था तुम तीनों में से कोई बता सकता है वो कौन सा लॉ है मैंने बताया था प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम तो वो कौन सा लॉ है उसका नाम लॉ का नाम क्या है बाइल्स सर वेरी गुड अपनी यस वेरी गुड तो बाइल्स लॉ बोलते हैं उसे गुड तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा राइट यू रिमेम्बर ना यस सर यस सर ओके अब एक बात बताओ ब्लड के कितने कॉम्पोनेंट होते हैं देवांशी ब्लड के मेनली कितने कॉम्पोनेंट होते हैं ब्लड के मेनली सर ब्लड ब्लड के सर रेड ब्लड सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स एंड ये ब्लड के एक कंपोनेंट एक चीज के अंदर आते हैं सारे ठीक बोला है तुमने लेकिन मैंने मेन पूछा है ना तुमने मेन के अंदर सब मेन बता दिया यस अवनी सॉरी यू रिमेंबर कोई बात नहीं सब यस अवनी सो ब्लड हैव टू कंपोनेंट्स प्लाज्मा एंड ब्लड कैपिलरीज ब्लड कैपिलरीज या ब्लड कॉर्पस्कल्स सॉरी ब्लड कॉर्पस हाँ और कितना परसेंट हिस्सा होता है प्लाज्मा ब्लड का सर प्लाज्मा 55% और ब्लड कॉर्पस 45% वेरी गुड यस विनीत विनीत प्लाज्मा की क्या क्या चीजें होती है प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें होती है सर प्लाज्मा के अंदर से प्लेटलेट्स होते हैं और पानी वाटर्स होते हैं वाटर होती है प्लेटलेट्स होती हैं और तो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं प्लाज्मा में क्या कर रहे हो मैंने ये सब कौन बोलेगा एल्बुमिन ग्लोबुलिन फिब्रिनोजेन अच्छा हां इतनी सारी चीजें होती है ना आयंस क्या हो गया तुम्हें तैयार नहीं करे अच्छे से चलो ठीक है नहीं सखी अच्छा अच्छा चलो तुम तीनों जा सकते हो यू मे लीव द क्लास सर कैसा था मतलब हां बता देंगे चिंता करने की क्या जरूरत है ठीक है बस हो गया एंजॉय करो बस रिजल्ट आ जाएगा अपने ठीक है ओके चलो यू मे लीव द क्लास Thank you, sir. Okay. Yes, Devanshi, you may leave. Abhi, you may leave. Now, Anshuman, Sanvi. Please switch on your video. Yes, sir. और दिशा अग्रवाल अवनी अपनी वीडियो जरा ऑफ कर लो अवनी कैन यू स्विच ऑफ योर वीडियो यस ठीक है दिशा अपना ऑडियो ऑन करो हाँ अंशुमन एक बात बताओ यस व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ किडनी
अरे ये तो बच्चा ही बता देगा, तुम तो खुद ही बच्चे हो। यस सर। सर टू एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल। ठीक है सारवी, एक्सक्रीटरी वेस्ट कितने टाइप के हो सकते हैं, क्या क्या वेस्ट होते हैं एक्सक्रीटरी? एक्सक्रीटरी वेस्ट भी टाइप के होते हैं ना, क्या क्या चीजें, जैसे हम यूरिया निकालते हैं तो और क्या क्या हो सकता है? यूरिक एसिड और अमोनिया, वो अलग अलग उसमें होता है। हाँ वेरी गुड। तो यूरिकोटैलिक कौन होते हैं? यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक कौन? ह्यूमंस। यूरिकोटैलिक नहीं, यूरियोटैलिक होते हैं ह्यूमंस तो। यूरियोटैलिक, आई एम आस्किंग यूरिको, यूरिको जो यूरिक एसिड निकालते हैं। बर्ड्स। वेरी गुड, यस गुड। अच्छा एक बात बताओ, डबल सर्कुलेशन में कौन सी दो चीजें होती हैं? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं सबसे ही पूछूंगा। पल्मोनरी सर्कुलेशन और थोरैक्सिक सर्कुलेशन। वेरी गुड, यस। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ऑर्टा सानवी? टू कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, यस। अंशुमन, व्हाट इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन? सैप्रोफाइटिक सर, सैप्रोफाइटिक सर बैक्टीरिया फंगाई। तुमने तैयारी करी है या नहीं करी है बच्चे? सर ऐसा लग रहा है जैसे ऐसे आ गए हो बिना तैयारी के। टेंथ में आ गए हो ना तुम? कहीं तुमने डायरेक्ट सेवेंथ क्लास से टेंथ क्लास तो नहीं आ गए हो तुम? हैं सर नहीं। अच्छा ठीक है, चलो तैयारी अच्छे से नहीं करी है तुमने, ठीक है। यस दिशा, दिशा किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? वेरी गुड, यूरिन। यूरिन, वेरी गुड। यूरिन होता है? नहीं सर, यूरिन नहीं बोला है सर। यूरिन नहीं सर, एक मिनट सर। नेफ्रॉन। नेफ्रॉन होता है, इतना टाइम कैसे लगा तुम्हें? ठीक है अब नेफ्रॉन में, अच्छा एक सेकेंड, अब मुझे एक बात बताओ नेफ्रॉन के कितने मेन स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली? सर नेम बताने ना सर, एक तो बोमेंस कैप्सूल और क्या सर, एक मिनट। ठीक है सानवी, एक सेकंड सानवी, ठीक है ठीक है ठीक है सानवी, नेफ्रॉन के मेन स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं? मैंने बताए थे ऑर्डर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, डीसीटी बाद में आता है, पीसीटी पहले आता है, ठीक है ओके। ये बताओ एक सेकेंड, अगर मुझे ये बताना हो जाइलम, जाइलम के कॉम्पोनेंट बताओ एक बार। मैं हाँ जाइलम के जाइलम वेरी गुड, ये तो चलो सेम होती है, ठीक है। और कुछ नया? फ्लोएम फाइबर और तैयारी नहीं करी अच्छे से। सेव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, ओके सेव ट्यूब और कंपेनियन सेल, यस दिशा। हाँ ये बात बताओ जो ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू तो होता ही है एक्सचेंज, लेकिन साथ में एक प्रोसेस और होता है, वो क्या होता है ऑक्सीजन के अलावा? क्या हमारे आरबीसी के अंदर एक चीज और होती है जो कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को लेके जाती है, क्या है वो? सर हीमोग्लोबिन। हाँ तो हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है? पता नहीं। वेरी गुड, ये सानवी दो शायद चार 402, ठीक है कोई बात नहीं। ओके अंशुमन, तुमने क्या पढ़ाई करी है ये बताओ, सबसे अच्छा टॉपिक तुमने कौन सा तैयार किया है? सर प्लांट्स का। प्लांट्स का क्या है? अच्छा तो ये बताओ प्लांट्स के अंदर मेरे पास फोटोसिंथेसिस होने के लिए कितनी चीजें चाहिए होती है? फोटोसिंथेसिस के लिए कितनी चीजें चाहिए होती है? सर तीन चीजें। तीन चीजें, वेरी गुड शेबास, कौन कौन सी? सर
sunlight or splitting of water or दिख रहा है तुम्हारी कितनी अच्छी तैयारी हुई है, रात भर जगे हो ना तुम पढ़ाई करके. वेरी गुड, शाबाश. चलो अंशुमन यू मे लीव द क्लास. सानवी एक लास्ट क्वेश्चन टू यू. यस सानवी, ये बताओ कि इफ ये बताओ कि व्हाई डज द लंग्स कोलैप्स. ये बताओ व्हाट इज द यूज ऑफ कार्टिलेज रिंग्स इन ट्रेकिया. कार्टिलेज रिंग्स होती है ट्रेकिया में, क्या फंक्शन होता है उसका? टू प्रिवेंट द collapsing of trachyte. ठीक है, you may leave the class. Yes, Disha. Disha. Yes, sir. Yes, sir. ये बताओ arteries और vein में main difference क्या होता है? Sir, arteries sir thick walled होती हैं और veins thin walled होती हैं. और arteries जो होती हैं वो मतलब deep seated होती है और veins मतलब अच्छा lymph क्या होती है? सर लिम्फ इज अ येलोइश फ्लूइड. एक मिनट सर, लिम्फ एक येलोइश फ्लूइड होता है. चलो ठीक है, यू विल लीव द क्लास. आर्यन आयुष अयाना स्विच ऑन योर वीडियो. दिशा वीडियो ऑफ करो सर, दो सेकेंड. श्योर. Yes, Ayana. Yes, sir. दिशा वीडियो करो. ठीक है. Yes, Ayana एक बात बताओ, जब प्लांट के अंदर एस्क्रीशन होता है तो ऐसे एस्क्रेटरी वेस्ट निकल के आते हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं Ayana? सर एक तो ऑक्सीजन और एक ऑयल्स निकल के आते हैं, सैंडलवुड ऑयल, लैवेंडर ऑयल एंड नेचुरल रबर और गम. यूकेलिप्टस ऑयल भी होता है. ठीक है, गुड गुड. ओके आयुष प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो. यस सर. हाँ तो एक बात बताओ, ट्रांसलोकेशन क्या होता है आयुष? ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन पता नहीं. वेरी गुड. ट्रांसपिरेशन क्या होता है? तो ट्रांसपिरेशन इज इवेपोरेशन ऑफ एक्सेस वाटर इन प्लांट्स फ्रॉम लीव्स. ओके. कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? सब बाइकार्बोनेट एंड कार्बन अमीनो एसिड्स. ठीक है. ओके. यस आर्यन. आर्यन न्यूट्रिशन के अंदर कितने मेन स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? न्यूट्रिशन के अंदर सर इजेशन. सबसे पहले इजेशन. वेरी गुड. नहीं सर इजेशन जो भी सर डाइजेशन होता है. अच्छा सर एसिमिलेशन होता है. हाँ हाँ सर लाइन वाइज नहीं बता रहे हो, वैसे रैंडम बता रहे हो. एब्जॉर्प्शन होता है. हम्म. और सर और सर भूल गया. ठीक है चलो कोई बात. यस अयाना व्हाट डू यू मीन बाय लिम्फ? लिम्फ क्या होता है? सर लिम्फ एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो फैट की इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है. इमल्सिफिकेशन नहीं बोल सकते उसे, फैट की अब्सॉर्प्शन बोल सकते हैं. अब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है. ठीक है. और आयुष? यस सर. आयुष लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में क्या फर्क है? सर लाइट रिएक्शन केवल प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में वर्क करती है और डार्क रिएक्शन वो इंडिपेंडेंट होती है लाइट के, वो कभी भी वर्क कर सकती है. यस एग्जैक्टली. वेरी गुड. यस आर्यन डबल सर्कुलेशन में कितनी दो मेन चीज होती है? नहीं पता सर. अरे अभी दो बार डिस्कस हुआ है. चलो ठीक है तुम बताओ याना. सर सिस्टमैटिक और पल्मोनरी. एक सेकंड. हाँ याना फोटोसिंथेसिस किसके अंदर होता है, मतलब कौन से ऑर्गेनेल के अंदर? क्या नहीं से क्लोरोप्लास्ट? यस सर. क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? सब फोटोसिंथेसिस ड्रॉपिंग ऑफ सनलाइट होती है क्लोरोप्लास्ट के. क्या नहीं से क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल आल्सो? यस सर. ठीक. अच्छा अयाना एक बात बताओ, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपिरेशन में क्या फर्क है? सर ट्रांसलोकेशन मतलब जब फूड लीफ से बाकी पार्ट्स में जाता है. Transpiration is the evaporation of water from the leaves.
ओके अच्छा ये बताओ ट्रिप्सिन का फंक्शन क्या होता है आना सर ट्रिप्सिन हेल्प्स इन लाइक डाइजेस्टिंग द प्रोटीन्स ओके टू अमीनो एसिड्स ओके लार्ज इंटेस्टाइन के मेन पार्ट्स क्या होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन सर वो प्रोनाउंसिएशन नहीं आती बट सी ओ ई सी ओ एम एंड कोलम एंड रेक्टम ठीक है यू मे लीव द क्लास गुड गायना यस ओके समीक्षा प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो समीक्षा आर्यन तुम बताओ आर्यन पैरासाइट क्या होता है पैरासिटिक मोड आर्यन पैरासिटिक मोड पैरासिटिक मोड सर वो हेटरोट्रॉपिक में आते हैं और सर वो मतलब दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए तुमने तैयारी नहीं करी ना बिल्कुल भी करी है सर लेकिन इस चीज की क्या पढ़ाई कौन सा टॉपिक पढ़ाए अच्छे से सर मैंने सर डाइजेशन पढ़ाए के मतलब सर खाना कैसे कैसे आता है फिर क्या क्या होता है अच्छा अच्छा ये बताओ लीवर से कौन सा जूस निकलता है सर लीवर से सर बाइल बाइल का फंक्शन क्या होता है बाइल जूस का सर एसिमिलेशन ठीक है आर्यन यू मे लीव द क्लास ठीक है आर्यन जा सकते हो आदित्य आर्यन स्विच ऑन योर वीडियो आयुष व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस सो पैनक्रियाटिक जूस में तीन एंजाइम होते हैं हाँ. वो ट्रिप्सिन एमाइलेज और लाइपेज ट्रिप्सिन हेल्प करता है प्रोटीन्स और पेप्टोन्स के डाइजेशन में और एमाइलेज हेल्प करता है स्टार्च के डाइजेशन में इनटू अमीनो एसिड्स एंड लाइपेज हेल्प करता है फैट्स के डाइजेशन में इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल ठीक है तो यू मे लीव द क्लास गुड आयुष यस समीक्षा यस सर ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है सर इन ऑटोट्रॉफिक दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड through inorganic sources like CO2 and oxygen and in heterotrophic they do not synthesize their own food they are dependent on organisms and they are okay. also saprophytic okay and heterotrophic ke further types hote hain kon kon se heterotrophic ani switch on your video sir fungi bacteria ओके एक बात बताओ समीक्षा ये जो मेरे पास डबल सर्कुलेशन होता है ये क्या होता है सर इन डबल सर्कुलेशन द सर देयर आर ऑफ टू टाइप्स सिस्टमैटिक एंड पल्मरी इन पल्मोनरी पल्मोनरी लंग से अटैच रहता है सिस्टमैटिक पूरे बॉडी पार्ट से रहता है ठीक है ठीक है अच्छा व्हाट इज द रोल ऑफ यस आदित्य आर्यन व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक एसिड का क्या रोल होता है आदित्य आर्यन आदित्य आर्यन व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक एसिड इन आवर स्टमक सर फूड डाइजेस्ट करने के लिए ये कैसा जवाब हुआ फूड डाइजेशन तो होता ही है सबका फंक्शन सर मैं बताऊं हाँ अवनीश तुम बताओ सर वो फूड से हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर देता है ठीक है और सर एक ही पता है अच्छा एक ही पता है और ये पेप्सिनोजन को एक्टिव भी तो करता है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है भूल गए पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम होता है ना सर फिर वो करने के लिए पेप्सिन करना होता है हाँ सर फिर वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है हाँ एग्जैक्टली अच्छा आदित्य आर्यन व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस होता है सर ग्लूकोज CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना अच्छा ओके समीक्षा व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ यूरेटर यूरेटर का क्या फंक्शन होता है सर यूरेटर यूरेटर सर पता नहीं ओके तुम बताओ अवनीश क्या सर एक बार रिपीट कर दीजिए यूरेटर फंक्शन ऑफ यूरेटर
यूरेटर का फंक्शन होता है सर, वो टेम्पररी यूरिन को स्टोर करता है क्या भाई? ट्रांसफर करता है वो किडनी से लेके यूरिनरी ब्लैडर तक। अच्छा हाँ हाँ हाँ, अरे ठीक है, किडनी होती है ना ये मेरे पास, कैसे बोल सकते हो ये किडनी है मेरे पास इस तरीके से, तो यहाँ से निकल के आता है ना यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, तो दिस इज कॉल्ड यूरेटर जो ट्रांसफर करता है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमें पता कैसे लगेगा? यस समीक्षा, हाउ डू वी गेट टू नो लाइक वी हैव टू रिलीज द यूरिन, यूरिन को बाहर निकालने के लिए क्या क्या होता है ऐसा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर? What is happening inside the urinary bladder that we get the urge for urination? Sir, when it comes in urethra, then yes, Avnish, तुम्हें पता है? Sir, pressure बनता है. Pressure नहीं. Sir, यही तो लिखा था sir notes में. हाँ, urinary bladder के अंदर stretchable cells होते हैं. वो जैसे ही urine full हो जाए, वो stretch होते हैं. Stress से एक information जाती है brain में, जो ये वाली feeling देती है कि sir वो ठीक है सर, ये नोट्स में तो प्रेशर ही लिखा है लेकिन नहीं नहीं स्ट्रेचेबल लिखवाया होगा, देखो चलो ठीक है मान लिया सर, नहीं लिखा है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट गॉट इट। अच्छा समीक्षा, लास्ट क्वेश्चन टू यू, ये बताओ किसके अंदर वेल्व्स होते हैं, वेन में या आर्टरीज में? सर वेल्व्स, हाँ सर आर्टरीज, आर्टरीज में होते हैं, आर यू श्योर? यस सर। नहीं वेन में होते हैं सर, वेन्स में होते हैं। हाँ वेन्स में होते हैं ताकि बैकवर्ड फ्लो ना हो जाए, पर कोई बात नहीं, ठीक है समीक्षा जा सकते हो। यस आदित्य आर्यन, आदित्य आर्यन, हार्ट के अंदर वेल्स होते हैं दो, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, क्या नाम होता है उनका? हार्ट के अंदर लेफ्ट साइड में राइट साइड में, यस two valves are there inside, what is the name of that? Did you prepare for the test? Aditya Arun, kiya tha kiya tha, lag to nahi raha taiyari ka kuch nahi kari hai, yes okay Aditya Arun, excretory organ jaise kidney, kidney ke alawa koi aur structure bata sakte ho jo ki excretion mein help karti hai? किडनी के अलावा? हाँ सर हमारी बॉडी में? नहीं नहीं हमारी बॉडी में नहीं, किसी भी और एनिमल की बॉडी में। सर पता नहीं, सर आपने लिखवाया था? ठीक है, नेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया, मेलपीजियन ट्यूब्यूल, कुछ याद आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, ये सब तो करवा दिया। आदित्य आर्यन, आदित्य आर्यन यू मे लीव द क्लास। Yes, Avnish. Avnish. Avnish, autotrophic और heterotrophic nutrition में क्या main difference है? Quickly जल्दी से। Autotrophic जो organisms होते हैं, वो अपना खुद food खुद prepare करते हैं, और heterotrophic दूसरे पे dependent होते हैं। Heterotrophic के two three types बताओ जल्दी से। Sir, saprotrophic, parasitic और holozoic। ठीक है। Absence of oxygen में कितनी ATP निकलती हैं? सर क्या? Presence of oxygen और absence of oxygen होता है जब respiration, तो how many ATPs are formed? सर तीन। तीन? नहीं सर दो 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 दो। किसमें? सर absence में। और presence में? सर 38। ठीक है अवनीश, ठीक है जा सकते हो अवनीश, अवनीश जा सकते हो। Yes, आस्था, ऋषभ और स्वास्तिका, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। वीडियो ऑन नहीं हो रही सर, पता नहीं, एक मिनट। वीडियो ऑन नहीं हो रही, चलो तुम ट्राई करो जब तक, आस्था भी बाद में बात करते हैं। सक्षम, स्वास्तिका और ऋषभ अपनी वीडियो ऑन करो। कर दिया सक्षम सर। yes, स्वास्तिका सर एक मिनट। हाँ हाँ श्योर। और ऋषभ सर हुई क्या वीडियो स्टार्ट? अभी तक तो नहीं हुई है। दीक्षा दी देखो ना। अबे मैं क्या देखूं, नहीं आ रहा समझ में। दीक्षा हाउ आर यू?
सही हो सर, माए परेशान करके रखी हुई है पूरा बैठा है, चल ही रही है। हाँ हाँ तैयारी करते रहो, ठीक है, साथ में एंजॉयमेंट भी करते रहो, तैयारी भी करते रहो, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, ऋषभ हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन अवर बॉडी? सर फ्रॉम लंग्स, लंग से। हाँ हाँ लंग से नहीं, बॉडी पार्ट से। लंग से कैसे? फ्रॉम बॉडी, सर फ्रॉम बॉडी पार्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे कंबाइन कर जाती है? H2O से। और फिर वो क्या बन जाएगी? बाइकार्बोनेट सल्फेट। नहीं, वो कार्बोनिक एसिड बनती है। हाँ, H2CO3। और फिर वो H+ लूज करता है, फिर बनता है कार्बोनेट। ठीक है, वेरी गुड। वो रिवर्सिबल होता है। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस एरिया में होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन व्हिच एरिया? एल्वियोला और एल्वियोला में बेसिकली। नहीं नहीं, नहीं जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा सर, अभी कोई नहीं बोलेगा ऐसे रैंडमली। ठीक है ऋषभ। ऋषभ एक बात बताओ, डबल सर्कुलेशन के अंदर कितने टाइप की सर्कुलेशन आती है? सर दो टाइप के होते हैं, पल्मोनरी और सिस्टमैटिक। पल्मोनरी और सिस्टमैटिक में क्या डिफरेंस है? तो पल्मोनरी होता है लंग्स, लंग्स का पल्मोनरी ऊपर पार्ट का, लंग्स का पल्मोनरी कहते हैं। लंग्स से जो एसोसिएट होता है और जो पूरी बॉडी पार्ट से एसोसिएट होता है वो होता है सिस्टमैटिक। वो सिस्टमैटिक होता है। ठीक है। स्वास्तिका, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में क्या फर्क है? कोई जाएगा नहीं अभी। सर लाइट रिएक्शन लाइट के डिपेंडेंट होता है, नॉन और डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, लाइट रिएक्शन में कौन सा मेन इवेंट होता है? सर इस लाइट रिएक्शन में मेन होता है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और दूसरा सिंथेसाइजिंग ऑफ वाटर। क्या, आर यू श्योर? सर मैं जो बोला सही बोला है? सर लाइट रिएक्शन में होता है वो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। हाँ, और दूसरा होता है जनरेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, गुड। और डार्क रिएक्शन में? सर डार्क रिएक्शन में होता है वो रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू एनर्जी ब्रैकेट ATP वाला। वेरी गुड, वेरी गुड, यस। अच्छा नेक्स्ट कौन था? खुशी, अपनी वीडियो ऑन करो। अभी जाएगा नहीं कोई? खुशी अपनी वीडियो ऑन करो। ऑन है उसकी, खुशी की मैं देख नहीं पा रहा हूँ, एक सेकेंड। अच्छा खुशी तो नीचे हो, पता नहीं ऊपर क्यों नहीं आ रहा है ऑप्शन। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके, जब सारे बात करेंगे तब फिर उसका ऑप्शन ऊपर आ जाएगा। हाँ खुशी एक बार बताओ, ब्लड के कितने कंपोनेंट होते हैं? सर ब्लड के दो कंपोनेंट। थोड़ा जोर से बोलो। हाँ कौन कौन से? प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस। हाँ प्लाज्मा में के अंदर क्या क्या होता है? प्लाज्मा के अंदर होते हैं प्रोटीन्स और आयंस और वाटर। और कुछ और भी होता है, फाउंडेशन लिया है तुम लोगों ने, फाउंडेशन के अकॉर्डिंग बताओ और क्या क्या होता है? एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, जैसे पूछ जाएगा वो बताएगा, रिपीट होंगी चीजें, डोंट वरी डोंट वरी। यस ऋषभ बताओ। सर वाटर होता है, आयंस होता है, फिब्रिनोजेन और एल्ब्यूमिन। हाँ और ग्लोबुलिन भी होता है। वेरी गुड, ठीक है। यस, और वाटर सबसे ज्यादा फाउंडेशन लिया है ना, तो इनका अच्छा वाला नेम बताओ। अच्छा वाला नेम सर ल्यूकोसाइट्स और राइबोसाइट। राइबोसाइट, एराइथ्रोसाइट होता है और होता है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स होता है, ठीक है, ओके। खुशी ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है किडनी के अंदर जिसमें यूरिन टेम्पररी स्टोर होता है? कलेक्टिंग का। टेम्पररी स्टोर होता है किडनी के अंदर? नहीं, पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। एस्क्रीटरी सिस्टम, आपने किडनी बोला था। ठीक है ठीक है, माय फॉल्ट, माय फॉल्ट। सिस्टम के अंदर तो हां, यूरिनरी ब्लैडर। क्या? यूरिनरी ब्लैडर। ओके ओके, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अच्छा ऋषभ, नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन के कुछ पार्ट्स होते हैं, वो क्या-क्या पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के? सर रीनल आर्टरी से आता है अनफिल्टर्ड ब्लड, वो ग्लोमेरुलस में जाता है।
ठीक है, ब्रोंकियोल्स में जितना फिल्ट्रेट होता है वो बूमेंस कैप्सूल से जाता है, ठीक है, फिर बूमेंस कैप्सूल से पीसीटी, फिर हेनल्स लूप, देन डीसीटी, इन सब तीनों में एब्जॉर्प्शन होता है आयंस का, वाटर का और प्रोटीन्स का, और बाकी जितना यूरिन बचा होता है वो जाके कलेक्टिव ट्यूब में स्टोर हो जाता है। ओके ठीक है, अच्छा तो अब बताओ ये स्वास्तिका, यस सर, ये बताओ कि जैसे हमारी बॉडी में यूरिया निकलता है राइट, तो यूरिया के अलावा और दूसरे एनिमल्स में क्या क्या चीजें निकलती है, वो दो चीजें कौन कौन सी है? नहीं नहीं हमारे अंदर नहीं, दूसरे एनिमल्स के अंदर। सर बर्ड्स में यूरिक एसिड निकलता है, और उसमें क्या कहते हैं, और फिशेज में अमोनिया निकलता है, ठीक है, और बर्ड्स में? सर बर्ड्स में निकलता है यूरिक एसिड, ठीक है, क्या एक एक हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है? फोर 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 फोर, ठीक है, एक सेकंड बस, एक सेकंड भाई, दूसरे लोगों रुक जाओ एक सेकंड, ठीक है, खुशी एक बात बताओ, ये एट्रियोल्स क्या होता है? एट्रियोल्स सिंपल कैपिलरीज होती है ना, जैसे ओर्टा से वो डिवाइड हो जाता है और हमारे हर एक सेल तक जो पहुंच रहा है वो एट्रियोल्स होता है, ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य का आपने तो ये, अरे एनसीईआरटी बना हुआ है ना, ठीक है चलो बताया था, ठीक है स्वास्तिका, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वेल्स, वेल्स का मेन फंक्शन क्या होता है? सर दे प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, ओके, और ये किसके अंदर होता है, आर्टरीज या वेन? सर ये किस, वेल्स, हाँ ऋषभ कहाँ गया, ऋषभ यहीं पे हूँ, यहीं पे हूँ, अच्छा तुम्हारी वीडियो गायब हो गई, अच्छा नीचे जो बोलता है उसके पहले आता है ना इसलिए, अच्छा 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 ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है, तो खुशी लास्ट क्वेश्चन टू यू, यस यस सर, हाँ खुशी, जाइलम और फ्लोएम के कंपोनेंट्स बताओ। सर जाइलम होते हैं, जाइलम पैरेंकामा, ट्रैकिया, ट्विसल और जाइलम, जाइलम पैरेंकामा, ट्रैकिया, ट्विसल और जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर, हाँ हाँ, जाइलम से जो होता है इसमें एनर्जी लगती है या नहीं लगती है? इट इज एक्टिव और पैसिव? सर इट इज पैसिव, ठीक है खुशी जा सकते हो, ठीक है ठीक है, स्वास्तिका यस सर, हाँ ये बताओ कि जो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फ? सर दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, ओके, और ये खुद क्या होते हैं, इसका खुद का कलर क्या होता है, क्या सर कलर क्या होता है, कलर सर इनका होता है पेल येलो, ठीक है स्वास्तिका, स्वास्तिका जा सकती हो, ओके, ऋषभ लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट क्या 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 होते हैं? तो सीकम, कोलोन एंड रेक्टम, कोलोन के तीन पार्ट होते हैं, असेंडिंग कोलोन, हॉरिजॉन्टल कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है ऋषभ, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट नाम बताओ। सर ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है ऋषभ जा सकते हो, ओके सर थैंक यू, हर्षिता सर ग्रुप पे डल जाएंगे, ग्रुप पे डल जाएंगे, ओके सर, हर्षिता, विधि, हां सर अपनी वीडियो ऑन करो, और सक्षम सर ऑन है, ठीक है विधि, स्वास्तिका यू मे लीव इफ यू वांट, यस विधि को दूसरों का, विधि ऑन करो, विधि ऑन नहीं कर पा रही है, ठीक है सडान वीडियो ऑन कर लो, मैं देख नहीं पा रहा हूं सडान, चलो हर्षिता एक बात बताओ, हमारे हाँ पास सर. जो एल्वेलाई होती है वो मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाती है, ऐसा कैसे, एल्वेलाई इतनी सारी गैस कैसे करवा देती है एक्सचेंज? सर वो मैक्सिमम एक्सचेंज इसलिए होता है क्योंकि जब हम ब्रीथ करते हैं ना तो हमारा डायफ्रैग्म लिफ्ट होता है, रिब्स एक्सपैंड होते हैं, तो जो एक स्पेस प्रोवाइड करता है लंग्स को जिससे ट्रांसफर ऑफ गैसेस अकर करता है ताकि वो ज्यादा गैसेस का ट्रांसफर कर सके। क्या मैं बोल सकता हूँ क्योंकि हमारे पास इतने सारे मिलियंस ऑफ एल्वेलाई होते हैं? हाँ मिलियंस ऑफ एल्वेलाई होती है। हर्षिता कितने डिफ्यूजन के अलावा और क्या प्रोसेस होता है जिससे वो ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसफर करवाते हैं पूरे बॉडी पार्ट्स में?
सर डिफ्यूजन के अलावा ट्रांसपोर्टेशन होता है जो हीमोग्लोबिन करता है हमारा. अच्छा एक एक सिंपल ऑक्सीजन कितने एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है सर 4. ओके गुड. अच्छा एक बात बताओ फिश के अंदर कौन सा वो होता है सर गिल्स होती हैं फिश के अंदर. ठीक है. अच्छा और अर्थवर्म के अंदर क्या होता है सर अर्थवर्म की मॉइस्ट स्किन होती है जिसमें पोर्स होते हैं तो वो स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन करता है. ठीक है गुड. अच्छा फूड को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए कौन इंपॉर्टेंट होता है सर फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट के अंदर फूड ट्रांसपोर्ट तो फ्लोएम करता है फ्लोएम टिश्यू. ठीक है. सक्षम ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपिरेशन में क्या फर्क होता है सर ट्रांसपिरेशन में सर ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन में हाँ ट्रांसपिरेशन में सर वाटर का लॉस होता है एक्सेस वाटर होता है उसका लॉस होता है और ट्रांसलोकेशन में सर फूड जो उसमें कोयलम में होता है वो प्लांट के हर एक बॉडी पार्ट में पहुंचाया जाता है. तो एनर्जी किस में लगती है सर एनर्जी दोनों में लगती है सर. दोनों में लगती है आई श्योर. पानी वाले में भी लगती है एनर्जी. नहीं नहीं सर फूड वाले में लगती है सर. हाँ पानी वाले में तो अपने आप होता है ना सनलाइट करवाते हैं वो तो वाले में. हाँ सर सर वो तो सक्शन से होता है सक्शन होता है तो उससे पानी सारा हर एक पार्ट. हाँ एग्जैक्टली. ठीक है. अच्छा जो मेरे पास राइट साइड जो वेल्व होता है एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर राइट साइड जो होता है उसका क्या नाम होता है हर्षिता. हार्ट के राइट साइड में जो एक वेल्व होता है उसका क्या नाम है एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होता है. वीना कावा. वेल्व 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 पूछ रहा हूं. वेल्व ट्राइकैस्पिड से बचाता है. यस ट्राइकैस्पिड वेल्व. और उस साइड वाला लेफ्ट वाला और डाइकैस्पिड होता है वो. ठीक है डाइकैस्पिड. हाँ बाइकस्पिड. ठीक है डाई का नाम बाई होता है लेकिन उसे बाइकस्पिड बोलते हैं. ठीक है डाई और बाई एक ही बात है लेकिन बाइकस्पिड नाम होता है. ठीक है सर okay. मार्च मत काटना. हाँ नहीं काटेंगे नहीं काटेंगे. ठीक है. अच्छा ये बताओ हम यूरिन कौन से पोर्शन से डिस्चार्ज करते हैं कौन सा पोर्शन होता है वो किडनी पूरा का पूरा एस्क्रिटरी सिस्टम के अंदर जहाँ से डिस्चार्ज होता है सर. यूरिन हमारा डिस्चार्ज यूरेथ्रा से होता है. ठीक है हर्षिता वेरी गुड. यू मे लीव द क्लास. थैंक यू सर. यस सक्षम. यस सर. हाँ किडनी से जो ट्यूब निकल के आती है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के बाद वो क्या बन जाती है सर वो वेन्स बन जाती है सर. हैं हाँ वेन बन जाती है लेकिन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की बात कर रहा हूँ मैं. कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की बात कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आगे जाके क्या बन जाती है किडनी से क्या निकल के आता है बाहर जो यूरिन लेके जाता है. यूरेटर. यूरेटर. हाँ यूरेटर गुड. नेफ्रॉन के क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं सक्षम. सर मैं पूरा डिटेल में बता दूं सर एक बार. हाँ बताओ. पूरा प्रोसेस सर जो हमारे नेफ्रॉन होते हैं सर उन्हें एक्सक्रीटरी फिल्टरेशन यूनिट कहा जाता है तो उनके अंदर वो हमारे फंक्शनल यूनिट होते हैं सर किडनी के नेफ्रॉन. तो सर इनके पास सर जो एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. अच्छा ठीक है स्टॉप करो स्टॉप करो एक सेकंड. हां एक सेकंड. पीसीटी पहले आता है या डीसीटी पहले आता है सर. क्या पीसीटी पहले आता है या डीसीटी पहले आता है. सर पीसीटी पहले आता है. अच्छा ठीक है. अच्छा एक लास्ट ये बताओ होलोजोइक की क्या क्या चीजें होती है. होलोजोइक न्यूट्रिशन सर होलोजोइक न्यूट्रिशन जिसमें कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को हम फूड के तरह अंदर लेते हैं सर. फिर उससे हम एनर्जी अपने अंदर सर वो फूड को फिर हम ब्रेक करते हैं उससे एनर्जी लेते हैं. इसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं सर. ठीक है. और व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन का फंक्शन सर जो पेप्सिन होता है ये सर प्रोटीन. ट्रिप्सिन 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 पूछा है. ट्रिप्सिन सर इसका नहीं. कुछ याद आ रहा है नहीं 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 कुछ देखना नहीं है. कोई बात नहीं स्किप कर सकते हो दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हो. ठीक है. सेप्टम का फंक्शन क्या होता है. सेप्टम सेप्टम सर ये हार्ट को दो पार्ट उसमें डिवाइड कर देता है ताकि ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो. ठीक है जा सकते हो सक्षम वेरी गुड. ठीक है सक्षम.
सॉरी सडान आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस। हाँ तो सडान मुझे एक बात बताओ, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपिरेशन में क्या फर्क होता है? सर ट्रांसपिरेशन एक्सेस वाटर, सर लॉस ऑफ एक्सेस वाटर को कहते हैं। ट्रांसलोकेशन सर फूड पार्टिकल्स पूरी प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने को कहते हैं। ठीक है, सर ट्रांस हाँ, एक्टिव और पैसिव प्रोसेस क्या होते हैं, किसके अंदर होता है? ट्रांसपिरेशन होता है एक्टिव या ट्रांसलोकेशन? सर ट्रांसलोकेशन एक्टिव है और ट्रांसपिरेशन पैसिव है। अच्छा मतलब क्या होता है इसका? सर पैसिव मतलब जिसमें एनर्जी यूज नहीं हो रही, और एक्टिव मतलब जिसमें एनर्जी यूज हो रही हो। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा ये डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? सर डबल सर्कुलेशन मतलब सर पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन एक साथ होना सर। मतलब सर सिस्टमैटिक और ये इसका नाम क्यों रखा गया है? ये इसका नाम पल्मोनरी, उसका नाम सिस्टमैटिक क्यों रखा गया है? पल्मोनरी इसलिए रखा गया क्योंकि सर वो लंग से एसोसिएटेड होता है, और सिस्टमैटिक सर पूरी बॉडी से होता है। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, नेफ्रॉन के कितने कितने पार्ट्स हैं? बस पार्ट्स के नाम बताने हैं। सर एक तो ग्लोबुलरस और सर बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, हेनलेज लूप, डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूबुल। वेरी गुड। और कलेक्टिंग ट्यूबुल आगे जाके किडनी के बाहर क्या बन जाती है? और पेप्टोनाइड बन जाता है। डाइपेप्टाइड्स। वैसे पहले डाइपेप्टाइड बनता है, फिर डाइपेप्टाइड के बाद अमाइनो एसिड बनता है, ठीक है ना? तो अमाइनो एसिड सबसे लास्ट वाली स्टेज है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन टू यू, मुझे एक बात बताओ, जैसे ये जो हमारे ट्रेकिया में सी शेप के स्ट्रक्चर बने होते हैं कार्टिलेज के, इसका क्या फंक्शन होता है ट्रेकिया में? सर ये कोलैप्सिंग ऑफ ट्रेकिया को प्रिवेंट करने के लिए होते हैं। अच्छा, और एक लास्ट चीज फेरिंग्स क्या होता है? सर फेरिंग्स सर जब सर हम खाना खाते हैं तो फिर वो विंड पाइप को क्लोज कर देता है, ताकि सर हमारा खाना विंड पाइप में ना जाए। अच्छा एक और चीज लास्ट, बस हमारे सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, उसका क्या नाम होता है? सर सलाइवरी एमाइलेज। हां इसका एक और नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज का, सर पी साइलेंट होता है, फिर टाइलिन। हां वेरी गुड सडान, जा सकते हो सडान, वेरी गुड, एक्सीलेंट। हाँ विधि प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। विधि हेलो सर। हाँ तुम्हारी वीडियो नहीं देख पा रहा हूँ मैं सर, इसमें वो मेरे पापा के फोन में कैमरा नहीं है। अच्छा ऐसे करके तो मैं नहीं ले पाऊंगा, चलो कोई बात नहीं। अच्छा विधि जरा मुझे एक बार, ठीक है विधि एक बार मुझे रिस्पिरेशन का वो फ्लो एक बार समझाना, सांस लेते तो कहां से कहां तक जाता है? सर जब हम सांस लेते हैं तो हमारे ट्रैकिया में जाता है। डायरेक्ट ट्रैकिया में चले जाएगा? सॉरी। ठीक है कंटिन्यू करो। तो ट्राकिया से वो मतलब वो डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई से वो ब्रोंकियोल्स में जाता है। तो वो डिवाइड होके वो एल्वियोलाई में जाता है। और एल्वियोलाई से प्लाज्मा के अंदर क्या चीजें होती है? प्लाज्मा में रेड ब्लड सेल व्हाइट ब्लड सेल। प्लाज्मा के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं? आर यू श्योर? वो तो रेड ब्लड कार्पस्कल्स के अंदर होता है ना, तो गलत बोल दिया ना। प्लाज्मा के अंदर तो वाटर होता है, आयंस होता है, फिब्रिनोजेन होता है, एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है ना। चलो कोई बात नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किडनी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? किडनी की हेलो यस यस क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? किडनी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है?
ओके किडनीज में से किडनी क्या किडनी में वो जो डर्टी ब्लड आता है वो उसके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं हाँ नेफ्रॉन होता है ठीक है आंसर है नेफ्रॉन ठीक है हाँ तो वो नेफ्रॉन उसके वो फिल्टर करता है हमारे अंदर कौन सा फेज निकलता है एक्सक्रीशन में सबसे ज्यादा यूरिया ठीक है और बर्ड्स के अंदर क्या निकलता है बर्ड्स में यूरिक एसिड ठीक है हम सांस अपने आप लेते हैं या फिर हमें लेनी याद दिलाना पड़ता है नहीं अपने आप लेते हैं हम ठीक है तो ये कौन से प्रोसेस से डिफाइन किया गया है कौन सा लॉ लगता है यहाँ पे बाल्स लॉ पीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम रिमेम्बर ओके ठीक है लिवर से कौन सा जूस आता है लिवर से बाइल इसका फंक्शन क्या होता है वो बाइल जूस वो हमारे वो जो स्टमक से खाना निकलता है वो एसिडिक होता है उसे अल्कलाइन बनाता है और वो पैंक्रियाटिक जूस के लिए मतलब इजी हो जाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हाँ ठीक है विधि आज के लिए इतना यस रिया प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो हाँ रिया तैयारी हो गई ऐसा लगा सो के उठी हुई अभी कि ओ आज टेस्ट है ओ माय गॉड यस सो रिया टेल मी एक ऑक्सीजन एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तुम्हारी आवाज नहीं आ रही तुमने बंद कर रखा है ऑडियो सर नहीं चालू है अच्छा हाँ अब आ रही आवाज अच्छा और करके बोलियो चालू है ठीक है अच्छा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस सर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स ठीक है फैट को तोड़ता है पैनक्रियाटिक जूस का फंक्शन पैनक्रियाटिक जूस में अमाइलेज ट्रिप्सिन होता है तो ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को तोड़ता है अमाइलेज ग्लूकोज को तोड़ता है और ट्रिप्सिन और लाइपेज जो होता है वो फैट्स को तोड़ता है फैट को किसमें तोड़ता है वो सर फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में अच्छा गैस्ट्रिक जूस कहाँ से निकलता है सर गैस्ट्रिक ग्लैंड से अच्छा क्या कौन कौन सी चीजें होती हैं इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर गैस्ट्रिक जूस के अंदर सर इसमें पेप्सिनोजेन होता है म्यूकस होता है और HCL होता है फंक्शन ऑफ HCL सर पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है पेप्सिन बनाता है और सर जर्म्स जो होता है उन्हें किल करता है ओके ओके व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमाइलेज अच्छा ये तो पूछ लिया मैंने सॉरी सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है दूसरा वाला नाम पटाइलिन अब मुझे एक बात ठीक है रिया एक लास्ट क्वेश्चन नेफ्रॉन के पार्ट्स बताना एक बार सर रीनल आर्टरी वोमेंस कैप्सूल ओके पीसीटी हेनलेस लूप डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब ओके एक लास्ट क्वेश्चन लिम्फ का फंक्शन क्या होता है सर लिम्फ फैटी एसिड्स को अब्सॉर्ब करता है और उसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं तो वो WBCs होते हैं तो वो सर डिजीज के अगेंस्ट फाइट करते हैं ओके और कुछ ठीक है अब मुझे बताओ लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है सर विटामिंस मिनरल्स और वाटर को अब्सॉर्ब करता है ओके और लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स के नाम बताओ सीकम कोलोन रेक्टम ठीक है रिया वेरी गुड जा सकते हो रिया माही सॉरी आस्था आस्था मुझे एक बात बताओ वीडियो ऑन हो गई फाइनली अच्छा आस्था मुझे एक बात बताओ
किडनी जो पूरा एस्क्रीटरी सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है एस्क्रीटरी सिस्टम के अंदर? पैर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, उसके बाद यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर। हाँ, और उसके लास्ट में, सबसे लास्ट में यूरेथ्रा। हाँ, वेरी गुड। ओके, तो हम यूरिन डिस्चार्ज कौन से पोर्शन से करते हैं? यूरेथ्रा से, मतलब उससे निकल जाता है, मतलब एनस। अच्छा माही स्पर्श, अपनी वीडियो ऑन करो। माही स्पर्श, अपनी वीडियो ऑन करो। हाँ, तो माही मुझे एक बात बताओ, माही अपना ऑडियो भी ऑन कर सकते हो। तो माही मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ किडनी? सर किडनी, एक सेकंड। हाँ सर, जो ब्लड में जो वेस्ट होता है उसे क्लियर करना। कौन सा वेस्ट होता है ब्लड में? सो होता तो है सर, मैं बताऊं? हाँ? नहीं नहीं अच्छा चलो, ये इस यूरिया के अलावा और कौन कौन से वेस्ट होते हैं हमारे पास? सर नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट तो सभी होते हैं, यूरिया के अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट तो सभी होते हैं। ठीक है, और कुछ? अच्छा मुझे बात बताओ, स्पर्श, स्पर्श। यस सर। हाँ, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ऑरेटा? ऑरेटा का मेन फंक्शन क्या होता है? पहचानना। सर उसने म्यूट कर रखा है। अच्छा अच्छा, यस, ऑरेटा का मेन फंक्शन सर जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है उसको बाकी पार्ट्स तक पहुंचाना, बॉडी के बाकी सेल्स और पार्ट्स। ठीक है, हार्ट से। अच्छा, ये ऑक्सीजनेट पहुंचाता है या डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेप्टम आस्था? सर किसका? सेप्टम, सेप्टम हार्ट के अंदर जो होता है सर, वो डिवाइडिंग वॉल होती है जिससे सर वो क्या बोलते हैं, वो लेफ्ट एंट्रियम और राइट एंट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को डिवाइड करता है जिससे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो जाए। वेरी गुड, यस। राइट साइड और लेफ्ट साइड हमारे पास वेल्व्स होते हैं, उन वेल्व्स का क्या नाम है सर? वेल्व्स का, हाँ, वो वेल्व्स बैकवर्ड फ्लो को होने से रोकते हैं, तो उन वेल्व्स का नाम है ना सर? क्या सर एक बता दो, ट्राइकस्पिड वेल्व, तो दूसरे वाले का क्या होगा? बाइकस्पिड वेल्व। ठीक है, तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व था। ठीक है, माही, आर्टरीज और वेन किसके पास होते हैं ये वेल्व्स? आर्टरीज के पास, वेन के पास, दोनों के पास या किसी के पास भी नहीं? सर वेल्व्स वेन के पास होते हैं। अच्छा, वेरी गुड, यस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वेना कावा? वेना कावा सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लाने। हाँ, बॉडी पार्ट से, राइट? यस सर। ओके, अच्छा होलोजोइक क्या होता है माही? सर होलोजोइक कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक करके, मतलब सर कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं और उन्हें फिर ब्रेक करते हैं और प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम। एग्जांपल क्या होगा? ह्यूमन बीइंग्स। हां ठीक है, पैरासाइट क्या होता है माई? सर पैरासाइट्स सर जो, एक सेकंड, सर जो सर एक सेकंड, कोई बात नहीं, कोई नहीं। आस्था, आस्था कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है सर? कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? हाँ, हमारी बॉडी में जब कार्बन डाइऑक्साइड आती है पूरे सेल से लंग्स के थ्रू, तो एक वो पर्टिकुलर चीज बन जाती है ना, मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑलवेज ट्रांसपोर्टेड एज सर वो सर पी से स्टार्ट होता है उसका नाम, पी से ना? हाँ सर पता है, एक मिनट सर, वो जो थ्री कार्बन वाला होता था, थ्री कार्बन मॉलिक्यूल वाला जो था। नहीं नहीं नहीं, वो तो पाइरूवेट था। नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। स्पर्श, बाइकार्बोनेट। हाँ, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो मैंने बताया था ना H2 और CO2 जब कंबाइन करता है तो वो H2CO3 बन जाता है, और फिर उसके बाद H+ निकाल देता है, फिर क्या बन जाता है? HCO3, राइट? इट इज कॉल्ड बाइकार्बोनेट।
ठीक है। अच्छा माही, प्लाज्मा कितना परसेंट होता है ब्लड का? सर 55। ठीक है। स्पर्स, ब्लड कार्पस्कल्स के अंदर कितनी तीन चीजें होती है? प्रॉपर नेम बताना, वो बच्चों वाला नेम नहीं। सर तीन होती है, एरिथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स। यस, वेरी गुड। ल्यूकोसाइट के फर्दर कितने टाइप होते हैं सर? एनएलमैब। हाँ, नाम बताना एक बार इनका, एनएलमैब। सर मेरे को वो याद नहीं है सारे नाम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ऑसिनोफिल, बेसोफिल। ठीक है, नाइन्थ में भी था ना ये, याद होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। हाँ आस्था। यस सर। हाँ मुझे एक बात बताओ, ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन में क्या फर्क है? सर ट्रांसपिरेशन होता है द लॉस ऑफ वाटर इन, मतलब थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स, जो एक सक्शन करता है जिससे वो मतलब पानी और मिनरल्स ऊपर आ जाते हैं उसमें, जाइलम में। और ट्रांसलोकेशन होता है जो कि फूड पार्टिकल्स और जो भी फोटोसिंथेसिस में जो भी चीजें बनी है उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में भेजना प्लांट्स में। ठीक है आस्था, वेरी गुड। आस्था एक बात बताओ, एक लास्ट, ये यूरिक एसिड कौन निकालता है अपना वेस्ट? सर बर्ड्स। और अमोनिया? सर फिशेस। अच्छा ठीक है आस्था, आज के लिए इतना ही। ठीक है गुड। यस स्पर्श। यस सर। सेप्टम का मेन फंक्शन? सर सेप्टम लेफ्ट लेफ्ट साइड और राइट साइड के हार्ट को डिवाइड करता है। उससे क्या फायदा होता है? डीऑक्सीजनेटेड और हाँ सर, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो। ठीक है ठीक है, स्पर्श जा सकते हो। माही। यस सर। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स के नाम क्या क्या होते हैं? स्मॉल ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है। स्टमक के अंदर कितनी चीजें निकलती हैं? स्टमक के अंदर कितनी चीजें, मतलब उनके पार्ट्स? नहीं नहीं, स्टमक के अंदर वो जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? HCl, पेप्सिनोजेन और म्यूकस। ठीक है, जा सकते हो माही। सुहानी, इशिता, प्लीज ओपन योर वीडियो। और कोई बचा है जिसका नहीं हुआ? यस सर। हाँ ऑन करो जिसका नहीं हुआ है। अच्छा हाँ ठीक है, सुहानी, श्रेष्ठा और इशिता, राइट? ओके सुहानी, एक सेकेंड, इशिता एंड श्रेष्ठा। Yes, Suhani, tell me, what is light and dark reaction? क्या क्या इवेंट होते हैं लाइट और डार्क रिएक्शन में सुहानी? लाइट रिएक्शन में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, और डार्क रिएक्शन में कार्बोनेट्स जो होते हैं मतलब CO2 कार्बोनेट्स में कन्वर्ट होते हैं। ओके, क्या सिर्फ लाइट फेज में एक ही स्टेप होता है? नहीं सर, जनरेशन सर एनर्जी भी होती है। और कुछ? ठीक है। अच्छा ये जनरेशन ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में निकलता है? यस सर। जनरेशन ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में होता है? सर एटीपी। और सर एटीपी और एनएडीपीएच याद आया? एक्सट्रे में लिखवाया था ना फाउंडेशन में। सर मैं कुछ क्लासेस आई नहीं थी। ओके 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 फाइन। यस श्रेष्ठा। यस सर। ये कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? सर बाइकार्बोनेट। हाँ, और ये एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है? सर 4। अच्छा, ये सेप्टम का फंक्शन क्या होता है? सर ये राइट एट्रियम, राइट लेफ्ट एट्रियम, राइट एंट्रियम और लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को डिवाइड करता है और इंश्योर करता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों आपस में मिक्स ना हो। अच्छा, बाइल जूस का एक फंक्शन क्या होता है मेन? सर नहीं याद। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, राइट? फैट की डाइजेशन हाँ, करता है। okay. और दूसरा एल्कलाइन हाँ, मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन जल ना जाए एसिड से। ठीक है ओके। यस सर। इशिता। यस सर। टाइप्स ऑफ पीप कितने होते हैं हमारे?
सर क्या टाइप्स ऑफ टीथ इंसिजर्स कैनाइन प्रीमोलर्स मोलर्स ओके व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसिजर एंड कैनाइन सर इंसिजर्स बाइटिंग में हेल्प करता है और ओके कटिंग और कैनाइन च्यूइंग में नहीं नहीं टीयरिंग च्यूइंग में तो प्रीमोलर्स और मोलर्स करते हैं ना च्यूइंग क्रशिंग ग्राइंडिंग ठीक है ओके सुहानी केमिकल एक्शन कैसे होता है हमारे माउथ के अंदर यस सर केमिकल एक्शन केमिकल प्रोसेस होता है ना जब फूड सलाइवा के सलाइवा से कंबाइन होता है तब तब उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं ठीक है क्या निकलता है उसके अंदर सलाइवा के अंदर सलाइवा सलाइवरी एमिलेज हां सलाइवरी एमिलेज का दूसरा नाम क्या होता है सर सर पी साइलेंट होता है टी वाई पी एन पी एन नहीं एल आई एन टायलीन एल आई एन ठीक है अच्छा किसी को ग्लैंड्स के नेम याद है सलाइवरी ग्लैंड्स होती है हमारी तीन यस सर अच्छा yes, सुहानी पहली ग्लैंड का नाम तुम बताओ सर सबलिंगुअल श्रेष्ठा दूसरी सर सबमैंडिबल हाँ और तीसरी वाली इशिता पैरोटिड वेरी गुड ओके अच्छा सुहानी वो ट्रेकिया के आसपास जो रिंग्स बनी होती है कार्टिलेज की उसे क्या बोलते हैं सर रिंग्स कार्टिलेज की जो होती है नहीं 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 कार्टिलेज की रिंग्स होती है सॉरी सॉरी उसका फंक्शन क्या होता है उसे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ही बोलते हैं हाँ कोलैप्स नाउ ठीक है अच्छा ये कह रही ये कहाँ से आ गया अच्छा ठीक है श्रेष्ठा तुम बताओ वो कौन सा लॉ होता है जो हमारी ब्रीदिंग में काम करता है सर बॉयल्स लॉ हाँ क्या होता है बॉयल्स लॉ सर पी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम अच्छा इसका मतलब क्या होता है सर जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं तो अगर हमारे लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो हमारा प्रेशर डिक्रीज होता है और जब वॉल्यूम डिक्रीज होती है तो प्रेशर इंक्रीज होता है ठीक है इशिता यस सर हाँ ये बताओ व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ऑर्टा सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाकी सारे बॉडी के पार्ट्स में पहुंचाता है अच्छा ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपिरेशन में मेन डिफरेंस क्या होता है सर ट्रांसलोकेशन मतलब फूड और वाटर को एक पार्ट से दूसरे बाकी के सारे पार्ट्स में पहुंचाना प्लांट में और ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर एक्सेस ऑफ वाटर लॉस हो जाना ओके इशिता ये जो हमारे पास नहीं तुम बताओगी हाँ इशिता तुम्हें बताओ ये जो फीलिंग आती है यूरिनेशन की ये फाइनली कौन क्रिएट करता है कौन से सेल्स होते हैं जो ये फीलिंग देते हैं हमारे ब्रेन को कि नाउ वी शुड गो फॉर द यूरिनेशन वो अर्ज कौन क्रिएट करता है न्यूरॉन नेफ्रॉन नहीं करते हैं सुहानी डू यू नो द आंसर वो अर्ज कौन क्रिएट करता है सर यूरिनरी ब्लैडर हां यूरिनरी ब्लैडर में ऐसा क्या होता है वो सर ये नहीं बताया था आपने यूरिनरी ब्लैडर के अंदर सेल्स होते हैं जो स्ट्रेच हो जाते हैं जब पूरा फिल हो जाएगा तो वो स्ट्रेच होंगे और उस स्ट्रेस से इंफॉर्मेशन जाती है कि मुझे यूरिनेशन के लिए जाना चाहिए जैसी यूरिन फिल हो जाता है ना यूरिनरी ब्लैडर में टंकी पूरी भर जाती है तो वो स्ट्रेच होता है स्ट्रेच होने से फाइनली हमारे पास इंफॉर्मेशन जाती है कि हमें यूरिनेशन करना चाहिए सर तो सेल्स का नाम क्या होता है नहीं नहीं वो सिंपल सेल्स होते हैं यूरिनरी ब्लैडर के सेल्स होते हैं एपिथीलियम होता है वैसे तो ठीक है एपिथीलियल सेल्स होते हैं ठीक है अच्छा लास्ट लास्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू यस सुहानी टेल मी द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा सर स्टोमेटा हेल्प्स इन द ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर एंड आल्सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ठीक है अच्छा किडनी का क्या और भी कोई फंक्शन होता है सुहानी सर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड तो वही हो गया प्यूरिफिकेशन और कुछ अच्छा किडनी अगर किसी की काम नहीं कर रही तो कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं सर डायलिसिस हेमोडायलिसिस हां हेमोडायलिसिस ठीक है सुहानी जा सकती हो श्रेष्ठा ये ब्लड प्रेशर क्या होता है ब्लड प्रेशर सर नहीं याद अच्छा इशिता ब्लड प्रेशर क्या होता है सर दी फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन दी ब्लड वेसल्स ठीक है कितने टाइप की होती है ये मतलब कितने टाइप के प्रेशर हम मेजर करते हैं यूजुअली ओ सॉरी मैंने इशारा कर दिया सॉरी यस कितने टाइप के होते हैं ये सर पता नहीं
अरे इतना इजी कैसे भूल सकते हो? यस रिस्टर, डू यू नो दैट? सर ब्लड प्रेशर। हाँ ब्लड प्रेशर की दो टाइप्स के होते हैं, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। वो तो ठीक है बट इसका एक पर्टिकुलर नाम, सुहानी डू यू नो दैट? पार्शियल प्रेशर। नहीं नहीं सर, पार्शियल प्रेशर आज के लिए इतना ही। चलो रिजल्ट आ जाएगा आधे घंटे के अंदर। बाय बाय, टेक केयर। बाय 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 सर।